हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी, इसमें सेट्स पढ़ेंगे। तो सेट्स के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, होता क्या है सेट्स, व्हाट इज सेट्स। तो बेसिकली सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब है कि हर एक नंबर जो होगा या एलिमेंट होगा या ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्टिंक्ट होंगे। तो डिस्टिंक्ट होंगे कैसे, तो डिस्टिंक्ट जैसे मान लेते हैं, हम सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। तो इंट्रोडक्शन में सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, है ना। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए कोमा बी सी एक्स वाई जेड इटीसी, ऐसे हम लोग सेट को डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मेट होता है वो दो टाइप का होता है। जैसे सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। एक होता है रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है टेबलर फॉर्म, और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं लिस्टेड फॉर्म। अब ऐसा नाम क्यों पड़ा, तो ये सब लिस्ट में रहता है, टेबल में रहता है। जैसे सेट को मैंने ऐसा लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया, चलो प्लस लिखा, मैंने माइनस लिखा, इनटू लिख दिया और डिवीजन का सिंबल दे दिया। ये भी एक क्या है, सेट है। ये जो प्लस माइनस इनटू या डिवीजन जो है, ये मेरे को क्या है, एलिमेंट्स है। क्या है, एलिमेंट्स है। ये जो सेपरेटर बाय क्या दिए हैं, कोमा दिए हैं, और ये सेमी ब्रैकेट के अंदर है। इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इस टाइप का जो लिखते हैं इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म जो सेकंड है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम लोग मान लिए बी से डिनोट करते हैं, और इसको लिख सकते हैं कि एक्स सच एट एक्स इतना इज अ नेचुरल नंबर, इतना इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 100। इस टाइप के जो लिखाते हैं इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। इसको मैं डिटेल में लिख के आपको दिखला रहा हूं। सेट का एग्जांपल डालते हैं, तो अनदर एग्जांपल है ना। अगर सेट मान ले कि ए बी कुछ भी लेते हैं, बी सेट ले लिया, बी सेट में सिंबल भी डालिए आप, अगर सर्कल डालते हैं, ट्रेंगल डालते हैं, रेक्टेंगल डालते हैं, और आप क्या कर देंगे, स्क्वायर डाल दीजिए। ये भी आपका एक टाइप का सेट है जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और सेट सी लेते हैं, सेट सी में भी आप लिख सकते हैं कोई एनिमल का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप कैट लिख दो, डॉग लिख दो, चलो ऑक्स लिख देते हैं, काव लिख देते हैं। ये भी आपका सेट है जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। डी लिखते हैं, डी में अगर आप कोई भी लिख दीजिए, क्योंकि डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है मतलब कोई भी। अगर मान लें कि ए लिखते हैं, अगर बी लिखना चाहते हैं तो बी लिख सकते हैं, मम्मी लिखना चाहते हैं तो आप मम्मी लिख सकते हैं, पापा लिखना चाहते हो तो आप पापा लिख दो। ए भी एक सेट है जिसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। इस टाइप के सेट है, ए है आपका कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आगे हम लोग आपको दिखाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर मान ले कि ये लेते हैं, और यहाँ पे दिखाते हैं आपको एक्स सच डेट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए सिंबल बिलोंग्स टू का है, आपको मैं डिस्कस करूंगा। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो, इस टाइप के लिखावट को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो
बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में आता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का मतलब होगा कि नेचुरल नंबर जो कि आपका 10 से कम हो, और ओ नंबर हो ऑड, तो 1, 3, 5, 7, 9 ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर है और ऑड है। जैसे लिखा हुआ है कि द रिवर ऑफ इंडिया, ये भी आपका सेट है। द रिवर ऑफ इंडिया क्या है, आपका सेट है। जितने इंडिया में रिवर्स है, चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, कावेरी हो, कोसी हो, तरह के सारा आपको सेट्स में आता है। जैसे मैंने बोला था ना डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट होता है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड बोलते ऑब्जेक्ट। जैसे मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ, ये स्कूल भी ऑब्जेक्ट है, बोर्ड भी ऑब्जेक्ट है, रिवर भी ऑब्जेक्ट है, पहाड़ भी ऑब्जेक्ट है, मतलब जो भी आप समझेंगे ना सारा का सारा चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो उसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेपरेटेड बाय कोमा डाल देते हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो सेट है। क्या है, सेट है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है कि द भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट नेमली AEIOU, ये भी क्या है, सेट है। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, आप जानते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, एक्यूट एंगल होता है ना, ऑब्टूज होता है, राइट एंगल होता है। प्राइम फैक्टर्स 210, अब इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपका 2 प्राइम फैक्टर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 7। ये भी आपका अगर इसको ऐसे लिख दीजिएगा और बना दीजिएगा, इसको हटा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, बोले सेट है। इसको भी अगर ऐसा कर देंगे आप, बोले सेट है। इसको भी आप ऐसा कर दीजिए, बोलिए सेट है। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक है, आप लोग सब जानते हैं, इसका फैक्टर निकाल देना, तो फैक्टर इसका कितना होगा, 2 और 3, तो 2 और 3 को ऐसे कर दिए, सेट हो गया। यहाँ पे सेट का नाम कुछ भी आप कर सकते हैं, ABCD XYZ। तो इस टाइप से डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं कि ये आपका क्या है, सेट है। जो लिखने का तरीका है वो आपका रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं और लिस्टेड फॉर्म भी बोलते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये लिस्ट में है, एक टेबल में सजाया हुआ है, इसीलिए इसको टेबुलर फॉर्म और लिस्टेड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि आप एनसीईआरटी के बुक में आप जानते हैं नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, तो उसमें आपको मालूम होगा कि द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर उसको भी ना बोल रहा है कि आप सेट बनाइए। तो द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जैसे आपका नेचुरल नंबर कितना है, एन से डिनोट करते हैं, और एन इक्वल टू इसको सेट में बना सकते हैं ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट डॉट कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है, नेचुरल नंबर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसी टाइप से द सेट्स ऑफ इंटीजर, तो इंटीजर आपको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड का भी अगर सेट्स बनाएंगे इंटीजर का भी, तो इधर आप डॉट डॉट कर दो और -3 ले लो, -2 लो, -1 लो, 0 लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो और डॉट डॉट इधर भी कर दो, क्योंकि ए इंटीजर का आपका क्या हो गया, सेट हो गया। सिमिलरली उसी टाइप से आपका कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर भी हो सकता है, या द सेट्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर लिखे हैं, रियल नंबर का सेट लिखे हैं, द सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर है। अच्छा, Z प्लस का मतलब आपको है पॉजिटिव इंटीजर, Q प्लस का मतलब होता है सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, R प्लस का होता है द सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। इस सब का हम लोग ना आपको ना सेट्स ऐसे बना के लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए डिफिनेशन यहाँ बोला है, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिनोटेड बाय यहाँ प्योर एनसीईआरटी। देखिए यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, देयर आर टू मेथड है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। जो पहला है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और एक और नाम है जिसको बोलते हैं लिस्टेड फॉर्म, ओके। और दूसरा जो है वह है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने दिया, और अगर चाहेंगे तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल आप मान लीजिए कोई सेट, अगर चलो एक्स ले लिया, एक्स सेट में अगर रोस्टर फॉर्म में दे, चलो भावेल लेते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का, तो AEIOU ले लिया,
ये आपका जो फॉर्मेट है ना वो रोस्टर फॉर्म है। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म का अगर एग्जांपल लेना चाहते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा लीजिए। एग्जांपल क्या होता है, अगर मान लीजिए चलो एक्स है तो यहाँ पे मैं वाई दे दिया, और इसको ले सकते हैं, इसको पढ़ते कैसे है, रीड एज एक्स सच डेट एक्स है ना, और ए बिलोंग्स टू लिख देते हैं कि ए नेचुरल नंबर है आपका, क्या है नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे लिख देते हैं कि एंड एंड लिख दिया कि थ्री लेस देन एक्स और लेस देन फोर लिख दिया। इस टाइप का जो लिखावट है ना उसको हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। कैसा फॉर्मेट है, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, यहां तक क्लियर है बच्चों आप लोगों? देखिए रोस्टर फॉर्म का जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन लिखता है कि ऑल द एलिमेंट्स आर बेइंग, ऑल द एलिमेंट्स आर बेइंग सेपरेटेड बाय कोमा विद इन द सेमी ब्रैकेट, इनक्लोज विद इन द सेमी ब्रैकेट भी बोल सकते हैं आप, जिसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और इसके बाद हम लोग देखेंगे टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में क्या आता है, टेबुलर फॉर्म में क्या आता है कि ऑल एलिमेंट्स आर कंबाइंड है ना, अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं एनसीईआरटी में, द सेट्स ऑफ ऑल वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का जितना वोवेल है वो ऐसा लिखे, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसी टाइप से एक और है, एक और क्या है कि अगर आपको सेपरेटेड बाय कोमा जैसे लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ यहाँ पे नोट्स में कि एक वर्ड है स्कूल और इसको लिखना है आपको रोस्टर फॉर्म में, तो इसमें होता क्या है बेसिकली सेट में कि रिपीटेशन ऑफ जो लेटर है या एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग नहीं लिखते। जैसे स्कूल में अगर आपका ओ, स्कूल में जो ओ ओ ओ दो बार आ रहा है, तो स्कूल में दो बार आ रहा है तो इसको हम लोग सिंगल नहीं लिखेंगे, जैसे सिंगल लेटर ही लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एस है तो एस लिख दिया सिंगल, सी है तो सी लिख दिया, एच है तो एच लिखा, ए वो लिखेंगे ए वो। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर इसको कोई वर्ड है ना, इसको लिखना है जैसे मैथमेटिक्स, आपके पास कोई वर्ड है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कोई आपके पास क्या है एक वर्ड है और इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, तो आप मैथमेटिक्स वर्ड है इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सपोज डेट मान लेते हैं कोई सेट पहले मानना है तो आप ए मान लो सेट, और आप मैथमेटिक्स को जो लेटर है उसको रिपीटेशन ऑफ लेटर नहीं लिखना, जैसे एम एक बार है तो एक बार लिख दिए, ए है तो ए लिख दिए, टी है तो टी लिख दिए, एच है तो एच लिख दिए, ई है तो ई लिख दिए। अब देखिए एम आ रहा है यहाँ पे दो बार, तो एम ना दो बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, आई नहीं लिखे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आई लिख देंगे है ना, और आई के बाद सी नहीं लिखा है तो सी लिख देंगे और एच लिख देंगे और इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे। ये आपका रोस्टर फॉर्म होगा, कब होगा जब कोई आपका वर्ड को लिखना होगा रोस्टर फॉर्म में, कोई वर्ड है और उसको लिखना होगा किसमें रोस्टर फॉर्म में, तो आप ऐसे लिख के आप सेट को बना सकते हैं, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स कैन नॉट अलाउ, जैसे मैंने बोला सेट बिल्डर फॉर्म का डिफिनेशन कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोसेसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ, देखिए एग्जांपल मैं देता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म का, सेट बिल्डर फॉर्म का मैं एग्जांपल देता हूँ आप देखेंगे, एग्जांपल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे ऊपर में लिखे थे हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल लेटर है ना, तो यहाँ पे देखिए वोवेल को मान लीजिए ऐसा है तो सेट से रिनोट करते हैं, तो यहाँ पे क्या है इसी को ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स डेट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसको रोस्टर फॉर्म में क्या था, मान ले कि भी था, तो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ था कि ए ई आई ओ यू, ए रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा एक्स डेट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपका क्वेश्चन रहता है कि कन्वर्ट रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। तो आप देख सकते हैं ऐसा अगर ए सेट ए रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट ऐसा कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान से, अगर लिखा हुआ आपके पास रोस्टर फॉर्म में, मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं तो रोस्टर फॉर्म में आपको लिखा हुआ नेचुरल नंबर पर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ कि वन टू थ्री
फोर फाइव सिक्स ए तक लेते हैं ना, सिक्स तक। तो इसको सेट ए बनाते हैं और मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर, है ना। लेस देन कितना ले सकते हैं, तो लेस देन इसको आप लिख सकते हो सेवन। इस टाइप के लिखावट को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इस टाइप के लिखावट को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या लिस्टेड फॉर्म। तो जनरली सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करने का दो ही तरीका है, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म।